जिस एरिया या जिस हम लोग किसी स्टेट या किसी कंट्री का कहते हैं कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना वो वहाँ की यंग जनरेशन जो है ना उसको वो इफेक्ट करता है। तो यही एक रीज़न था सबसे बड़ा, जिस गांव से मैं हूँ वहाँ का जो माहौल है ना वो प्रॉपर फुटबॉल का है। वहाँ से ऑलरेडी बहुत प्लेयर पैदा हो चुके हैं जो JCT पंजाब पुलिस पंजाब लेवल के इंटरनेशनल लेवल में खेल चुके हैं। तो जब वैसा माहौल है तो बच्चे को वैसा माहौल मिलता है तो वो ऑलरेडी उसकी तरफ खींचा जाता है। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने वहीं से फुटबॉल खेलना शुरू किया, और कोई गेम तभी मेरे माइंड में थी भी नहीं। एक्चुअली जब मैंने शुरू किया तब मुझे फुटबॉल का ऐसा लेवल भी नहीं पता था कि ये स्कूल, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद नेशनल डिस्ट्रिक्ट जो भी होता है, इतना नहीं पता। बस एक शौक पैदा हो गया था मन में खेलने का, तो कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। हाँ, लेकिन जहाँ पे मैं एवरीडे ट्रेनिंग करता था वहीं पे मेरे गांव में जो कुछ बड़े प्लेयर जो क्लब लेवल या कॉलेज लेवल के अच्छे खेलते थे, एक तरह की वही मेरे लिए इंस्पिरेशन होती थी। मैं उनको ही देख के तो आगे बढ़ता। तब मुझे ऐसा क्लब लेवल पे कौन खेल रहा है, नेशनल टीम में कौन खेल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं होता था ज़्यादा। इवन मैं मैचेस भी टीवी पे ज़्यादा नहीं देखता था। देखिए, स्पोर्ट्स एक पर्टिकुलर फुटबॉल को छोड़ के अगर हम लोग एक स्पोर्ट्स देखें तो स्पोर्ट्स कोई भी आप अगर लेते हो तो वो एक इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। फुटबॉल अगर हम लोग पर्टिकुलरली तो एक इंसान की लाइफ में बहुत सी चेंजेस लाती हैं। उनको डिसिप्लिन में रहना, ऐसी कितनी हार्डवर्क करना, ये सब चीज़ें होती है जो एक प्लेयर के उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसमें बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है फुटबॉल ने ये सब चीज़ें मुझे सिखाई है, पेशेंस, हार्डवर्क करना, डेडिकेशन, और मतलब ऐसी कितनी चीज़ें होती है जो एक स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी है। वो सब अगर हम लोग एक स्पोर्ट्स से निकाल के भी देखें तो एक नॉर्मल लाइफ में भी हमारे काम आती है, लेकिन वो जो सब चीज़ें हैं वो एक फुटबॉल प्लेयर होने के बाद ही मेरी लाइफ में आई।